यूपी निर्वाचन को पांच मास बाकी यहाँ भितर योगी सरकार का मंत्रिमंडल संप्रसारण कौन दिगक इशारा करुच्छे कौन पर घटना घटू द्वितीय थर लगे मंत्रिमंडल संप्रसारण करती समीकरण संतुलित रक्षा करने उद्देश्य हो मंत्रिमंडल संप्रसारण नुआ मंत्री मध्य तीन दलित तीन ओबीसी और जड़े ब्राह्मण मंत्री शपथ नहीं तेज समीकरण कौन कथा कहूँ कहीं हठात यह प्लानिंग है समीकरण बदली दिगला और जो गणित बर्तमान रही तीन दलित रही तीन ओबीसी और जड़े ब्राह्मण मंत्री रही कहीं देखते निर्वाचन पूर्वर यूपी कैबिनेट संप्रसारण फोकस रे जाति समीकरण शपथ नेले तीन दलित तीन ओबीसी और जड़े ब्राह्मण ओबीसी वोट बैंक उपरे बीजेपी रो नजर टार्गेट रे एबे सबु जातिर वोटर उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन आ रहिला पांच मास या पूर्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करिसंती मंत्रिमंडल संप्रसारण जाति समीकरण संतुलित रक्षा करने उद्देश्य होई मंत्रिमंडल संप्रसारण निर्वाचन आचरण विधि लागू होगा पूर्व ए मंत्री माने निज निज क्षेत्र में पतियारा वृद्धि करनेतम कारण यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में चली किसान आंदोलन को काउंटर करने लक्ष्य कारण कृषि आईन को विरोध कर गत वर्ष पश्चिम यूपी में चली आंदोलन मुख्यतः जाट समुदाय लोके आंदोलन कर प्रतापगढ़ में शनिवार दिन बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता को एक कार्यक्रम में मारपीट करा स्थिति संगीन हो घटना को प्रतिहत करने बीजेपी चाहिए यह दल खूब गुरुतर सह नहीं तुरंत रविवार दिन श्राद्ध पक्ष राजभवन द्वार खोल को पड़ी एथपाय मंत्रिमंडल संप्रसारण करस मंत्रिमंडल में जो मानक सामिल करने प्राय संघ पर जड़ित जो सात जन मंत्री आज शपथ नहीं जितिन प्रसाद एकमात्र ब्राह्मण नेता पछुआ वर्गर छत्रपाल गंगवार संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति मंत्री भाव शपथ नहीं जन अनुसूचित जातिर संजय गौड़ पल्टू राम और दिनेश खटिक शपथ नहीं निर्वाचन पूर्व बीजेपी जाति समीकरण संतुलन रक्षा करने उद्देश्य नहीं पदक्षेप पूर्व 2017 में यूपी जाति समीकरण को दृष्टि रखी निर्वाचनी सफलता हासिल करी बीजेपी गत निर्वाचन में जाति समीकरण को भल भाव परखी विपुल विजय हासिल करा बीजेपी सहयोग दल सह मिशी 325 आसन हाथ बीजेपी कह केवल जादव को बाद दे बीजेपी सबु अण जादव पछुआ वर्गर वोट हाथे सक्षम होता यूपी में पछुआ वर्गर वोट प्राय 50% अधिक निर्वाचन में भूमिका सर्वाधिक सेपरी दलित वोटर संख्या किसी कम नुहे उत्तर प्रदेश में प्राय 21% वोटर होती दलित क्षमता हासिल लगी यह समुदाय गुरुत्व रही गत निर्वाचन में केवल जाटव को बाद दे अन्य दलित बीजेपी साथ देते यहपर आगुआ जाति संख्या प्राय 20% एगार प्रतिशत ब्राह्मण या बेले 6% ठाकुर और 3% कायस्थ अच्छा एमाने बीजेपी बड़ वोट बैंक 2017 मार्च 19 योगी आदित्यनाथ सरकार गठन करथिबा बेले प्रथम थर लगे 2019 अगस्ट 22 रे करथिले मंत्रिमंडल संप्रसारण यहपर मंत्रिमंडल संख्या वृद्धि होता 56 कोरोना जोगु गत वर्ष तीन जन मंत्री विजय कश्यप चेतन चौहान और कमल राणी बरुण का मृत्यु होता यह पर मंत्रिमंडल संप्रसारण आवश्यकता थी एवं निर्वाचन को दृष्टि रखी संप्रसारण हो मंत्रिमंडल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मंत्रिमंडल संप्रसारण पूर्व आज मुख्यमंत्री राज्यर चाषी लगी कर बड़ घोषणा कौन कहते से कही चाषी को शोषण शिकार होगा दिजा ना कौन कहते योगी चाषी लगे कौन कौन बड़ घोषणा करके नजर पकेबा तथ्य माध्यम बुझाक चेस्टा करवा चाषी का कौन घोषणा चाषी का योगी सरकार का बहुत बड़ घोषणा घोषणा हो चाषी को शोषण शिकार होगा दिजा ना चाषी मान कौन हालत में भी शोषण शिकार होगा दिजा आखुर एमएसपी 25 टंका वृद्धि होती 25 टंका एमएसपी बढ़ी क्विंटाल पिछा एमएसपी 325 रु 350 टंका को बढ़े दि जाएगी
आखु चाषी आय 8% 8% वृद्धि या द्वारा हो पार 45 लाख चाषी या द्वारा उपकृत हे केवल एति नुह आहरी अनेक कथा अच्छी बीएसपी अमल में 22 चीनी कल बंद कर दिया जाता आखु चाषी जो क्षतिग्रस्त होते 250 रु 300 कोटी टंकार चीनी कल को बिक्री कर दिया जाता सांगमाछ दर में केते 25 रु 30 कोटी मात्र 25 रु 30 कोटी टंकार बिक्री कर एसपी अमल में 11 चीनी कल बंद कर दिया जाता से समय 11 चीनी कल बंद होता है और सांगमाछ दर में यह सब चीनी कल को बीएसपी बिक्री कर अभियोग आसुच्छे बंद चीनी कल को पुणी थे चालू करते बीजेपी सरकार चालू कर योगी सरकार चालू कर राज्य 119 चीनी कल वर्तमान स्थित में चालू रही ये हूँ चाषीों पर बड़ घोषणा करते योगी सरकार एसबू पर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ एमएसपी बढ़ी आखुर आखु चाषी द्वारा निश्चित भाव उपकृत है।